चैनल आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो टुडे आई एम शेयरिंग अ डर्मडॉप स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट विद एस्कॉर्बिक एसिड. सो गाइस आप सभी ने डर्मडॉप ब्रांड का तो नाम सुना ही होगा. डर्मडॉप ब्रांड में काफी अलग अलग टाइप के स्किन केयर प्रोडक्ट अवेलेबल है, जैसे फेस वॉश, विटामिन सी सीरम, स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट एंड सनस्क्रीन. सो गाइस मैंने भी सोचा क्यों ना इस ब्रांड का स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट ट्राई किया जाए. सो गाइस ये है डर्मडॉप का स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट विद एस्कॉर्बिक एसिड. गाइस एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है जो आपके फेस को ब्राइट करने के साथ साथ आपके फेस को हाइड्रेट भी रखता है और हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है एंड डार्क सर्कल को भी कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. एंड गाइस हमें फेशियल हमेशा ऐसे टाइम पे करना चाहिए ताकि फेशियल के बाद जो सन की रेस है वो हमारे फेस में ना पड़े. हमेशा फेशियल के बाद आपको रिलैक्स करना चाहिए, आराम करना चाहिए. तो ध्यान रखिए कि जब भी आप फेशियल कर रहे हो वो नाइट का टाइम हो, ताकि जब भी आप फेशियल करें उसके बाद आप अच्छी खासी नींद ले ले, अच्छा आराम करें, क्योंकि फेशियल के बाद हमेशा हमारे फेस को रिलैक्स की जरूरत होती है. सो गाइस चलिए प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं. सो ये है डर्मडॉप का स्किन ब्राइटनिंग फेशियल किट विद एस्कॉर्बिक एसिड. गाइस ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है एंड सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है. सो बहुत अच्छी बात है. एंड गाइस ये एक फेशियल किट है जिसको आपको कंप्लीट करने में 30 से 35 मिनट लग सकते हैं. इसका MRP है 150 rupees. अगर आप पर्पल से लेते हैं तो आपको काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा. एंड गाइस ये सेशन में आता है जिसमें आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. सो चलिए देखते हैं कि इसे यूज कैसे किया जाता है. सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, सो दैट मेक श्योर कि फेस में कोई डर्ट ना रहे. सो जैसे मैंने कहा ये सेशन में आता है और 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा. सो जिसमें फर्स्ट स्टेप है क्लींजर. क्लींजर गाइस हमारे फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेता है. इसके बाद जो भी हम स्टेप फॉलो करेंगे उसके लिए हमको सबसे पहले फेस क्लीन होना, इस वजह से यहाँ पर क्लींजर हमें अप्लाई करना होता है. और अब देखोगे थोड़ा जेल फॉर्म में आता है और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ है और फेस में बहुत अच्छा वर्क करता है ये. गाइस जैसे जैसे आप ये फॉलो करोगे सारे स्टेप, आपको आपके फेस में डिफरेंस नज़र आएंगे. और इसे 3 to 5 मिनट के लिए आपको मसाज करना है, देन आफ्टर क्लिनजिंग आपको फेस वॉश कर लेना है. देन सेकेंड आता है यहाँ पर स्क्रब यानी एक्सफोलिएट. गाइस स्क्रब जो होता है हमारे फेस को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करता है और जो हमारे फेस के पोर्स होते हैं उसको क्लीन करता है. गाइस ध्यान रखिए कि आप जब भी आप स्क्रब कर रहे हो तो आपका फेस ड्राई बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा गीला रहे. इसके लिए आप अपने पास में थोड़ा सा बोल में वाटर भी रख सकते हो. गाइस स्क्रब में बहुत फाइन पार्टिकल्स दिए हुए हैं. अगर आपको एक्ने है फेस में सो इसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल भी एक्ने को इरिटेट नहीं करेंगे. 3 to 5 मिनट स्क्रब के बाद यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर, जो वाइट टिश्यू होता है, उससे अपने फेस को क्लीन कर ली हूँ. देन यहाँ पर थर्ड स्टेप आता है सीरम. गाइस सीरम बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी आप वेस्ट ना करो. और इसका जो टेक्सचर है वो पानी जैसा है बिल्कुल, तो आपको बहुत केयरफुली अपने फेस में लगाना है. गाइस सीरम हमारे फेस को नरिश करता है और फेस के अंदर तक जाके फेस की हाइड्रेशन को बनाए रखता है. सो गाइस इसे भी आपको 3 to 5 मिनट मसाज करना है, बट इसे मसाज अपोजिट डायरेक्शन में करना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ. आपको इस तरीके से अपने पूरे फेस में मसाज करना है जब तक कि सीरम आपके फेस में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता. सो थर्ड स्टेप में ही आप देखोगे कि आपको आपका फेस बहुत अच्छा लगने लगेगा और स्मूथ लगने लगेगा. गाइस फोर्थ स्टेप है यहाँ पर क्रीम. गाइस ये क्रीम आपके फेस को ब्राइट करने का काम करेगा. सो इतना अमाउंट मैंने लिया है क्रीम का, देन पूरे फेस में मैं अप्लाई कर लूंगी. और गाइस आपको जरूरी नहीं बहुत ज्यादा क्रीम लेना है, इसे आप थोड़ा ले सकते हो. जैसे कि इस फेशियल किट को 2 लोग भी यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जितना लग रहा है आप उसके हिसाब से अपने फेस में यूज कर सकते हो. देन यहाँ पर मैं मसाज के लिए फेस मसाजर का यूज करूंगी. और गाइस आप हाथ से भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. अगर आपके पास फेस मसाजर हो तो आप फेस मसाजर से भी कर सकते हो. गाइस मैंने 15 से 20 मिनट फेस को अच्छे तरीके से मसाज किया है जब तक क्रीम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए. आफ्टर मसाज मैं वेट टिश्यू से अपने फेस को क्लीन कर लूंगी. आप चाहे तो पानी से भी वॉश कर सकते हो. फोर्थ स्टेप के बाद ही आपके टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड ऑफकोर्स आपके कलर में भी काफ़ी हद तक चेंज आएगा. देन यहाँ पर फिफ्थ स्टेप है पील ऑफ मास्क. सो आपको पील ऑफ मास्क की मोटी सी लेयर आपके फेस में लगा लेना है. गाइज इसे आपको 15 से 20 मिनट लगा के रखना है जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है. और गाइज इस मास्क को लगा के आप घर के सारे काम कर सकते हो.
और जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तो आप इसे रिमूव कर सकते हो। एंड गाइज, जब आप इसे रिमूव करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आपको फेस में तकलीफ़ होंगी। जैसे कि अगर आपको फेशियल हेयर है तो येस ऑफकोर्स आपको तकलीफ़ होंगी थोड़ी सी। इस पील ऑफ मास्क को लगाने के बाद आप अपने टेक्सचर में टोटली चेंज देखोगे, आपका फेस इतना ज़्यादा ब्राइट लगेगा। गाइज, ये जो 5 स्टेप है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पील ऑफ मास्क होता है, क्योंकि ये आपके ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड ऑफकोर्स आपके पोर्स को क्लीन करता है। एंड गाइज, जब भी आप फेशियल या क्लीनअप कर रहे हो तो फेस को ऐसे ही ना छोड़े, आप यहाँ पर कोई भी टोनर अप्लाई करें या कोई भी रोज वाटर अप्लाई कर सकते हो। और अगर नाइट में फेशियल कर रहे हो तो नाइट रूटीन कर सकते हो, क्योंकि गाइज हमें फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है फेशियल के बाद, क्योंकि हम फेशियल करते ही हमारे पोर्स को क्लीन करने के लिए, हमारे फेस को क्लीन करने के लिए, तो आप यहाँ पर कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। देन लास्ट में आप फेस में डिफरेंस खुद देखोगे कि कितना चेंज आया है। सो गाइज, ये थे फेशियल के 5 स्टेप, जिसे करना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखने की, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें इसे यूज़ करना है। इसका रिजल्ट गाइज बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। आफ्टर फेशियल जब आप देखोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा आपका फेस ग्लो करेगा, आपके जो फेस में डर्ट होंगे वो सारी क्लीन हो जाएगी। सो गाइज, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइज, अगर आप भी डर्मडॉग का फेशियल किट यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ऊपर उसका रिजल्ट कैसा आया है। सो गाइज, चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।